अजय देवगन की स्टारर फिल्म मैदान हो या फिर अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला। लेकिन ऑडियंस के दिलों पर चल रहा है किस फिल्म का जादू और बॉक्स ऑफिस पर कौन जीत रहा है रेस, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं उदामिनी और आप देख रहे हैं बज़ुका रिव्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं अजय देवगन की स्टारर फिल्म मैदान के बारे में। मैदान को लेकर ऑडियंस के बीच पिछले काफी लंबे वक्त से क्रेज देखने को मिला था और मैदान के रिलीज होते ही ऑडियंस इसे देखने भी पहुंची। लेकिन ईद के मौके पर जब बड़ी मियां छोटे मियां रिलीज हो गई तो यहां पर बड़े मियां छोटे मियां को ईद का डबल फायदा होते हुए दिखाई दिया। मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई मैदान अभी तक बड़े मियां छोटे मियां के हाफ कलेक्शन में भी नहीं पहुंच पाई है। अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ना, तो मैदान अब तक 10 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड पार कर चुकी है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। लेकिन आपको जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इसके काफी ज्यादा कमाई कर चुकी है बड़े मियां छोटे मियां। जी हाँ, सिर्फ इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में अब तक बड़े मियां छोटे मियां ने 18 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो बड़े मियां छोटे मियां 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक एक्सक्लूसिव खबर आज आपके लिए हमारे ग्राउंड रिपोर्टर की तरफ से। जी हाँ, अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैदान फिल्म इतना खाली जा रहा है, मैदान कितने शोज खाली जा रहे हैं कि इस फिल्म के शोज कई जगह पे बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि भाई ईद के मौके पे बड़े मियां छोटे मियां को डबल फायदा होते हुए भी दिखाई दे रहा है। फिर आइए ले चलते हैं आपको जनता के बीच और जानते हैं हमारे रिपोर्टर से क्या कुछ माहौल है इन दोनों फिल्मों को लेकर जनता के बीच। मैडम, वो एक नंबर पिक्चर लगी और जो भी है, खेल एक अलग तरीका है, खेल का कुछ भी हिसाब नहीं। तुमको कितने स्टार्स दोगे फाइव आउट ऑफ? अरे, अपने पास जितना स्टार रहेगा सब दे देगा ना। कहना चाहेंगे मैदान? पिक्चर बढ़िया, खेल के ऊपर बढ़िया, सही है, बढ़िया पिक्चर थी, अच्छी पिक्चर थी। तुमको कितने स्टार्स दोगे फाइव आउट ऑफ? फाइव आउट ऑफ फाइव। मुझे तो अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया थी, ऐसी बननी चाहिए। तुमको कितने स्टार्स देंगे फाइव आउट ऑफ? फोर एंड हाफ, फोर एंड हाफ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का सेकंड डे है तो आइए लोगों से पूछते हैं उनको कैसी लगी ये मूवी। कैसी लगी? अच्छी अच्छी। कैसी लगी? नहीं जमा, नहीं नहीं, सही था पिक्चर। कैसी लगी आपको मूवी? उतना कुछ खास नहीं लगा। क्या लगता है इसका पार्ट टू आना चाहिए? ना, नहीं आना चाहिए, नहीं सही नहीं है मूवी। कैसी लगी? अच्छी लगी पर पहले वाली से बढ़िया नहीं है। क्यों, ऐसे क्यों लगे? उसके गाने सब बढ़िया थे पर इसका ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है पार्ट टू आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी मैडम। तो कितना रेटिंग देना चाहोगे आप उसको आउट ऑफ फाइव? हमें इसका कुछ भी अच्छा नहीं लगा है वैसे तो, खाली मार दिया। क्यों, ऐसे क्यों लगी? अच्छा। कैसी लगी मूवी आपको? एक नंबर, अच्छा थे मूवी। हाँ, बढ़िया। इसका आपको क्या लगता है इसका पार्ट टू आना चाहिए? अब जिस हिसाब से दिखा रहा है पार्ट टू आएगा जरूर। तो आप इसको कितना रेटिंग देना चाहोगे? 60% सही होगा। कहीं ना कहीं मैदान फिल्म ने जनता को काफी इमोशनल कर दिया है और जो फिल्म आपको इमोशनल कर दे वो काफी हद तक अच्छी तो होती है। एक तरफ जहां मैदान लोगों को इमोशनल कर रही है तो दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां अपनी कमाई करने में जुटी हुई है। लेकिन आइए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास कि आखिर उनका क्या कहना है इन दोनों फिल्मों के प्रेडिक्शन को लेकर। और दिलजीत के बारे में क्या कहूँ, उसका नाम मैंने दिलजीत रखा है, दिलजीत। वो हमेशा हर फिल्म में दिल जीत लेता है। अमर सिंह चौकीला एक ब्रांड, बहुत बड़े ब्रांड बनके सामने आए थे। राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा और भगवंत मान जी मिलके, इम्तियाज़ अली को, एक पूरे ग्रुप को मिलके एक ये फिल्म पंजाब के और जहाँ जहाँ एक एक शहर में कम से कम मिनिमम कुछ थिएटर में इसको रिलीज़ करनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स को सलाम कर रहा हूँ, इससे पहले वो बहुत ही कचरा काम करते रहे, गंदा काम करते रहे, बहुत ही घानरड़ा काम करते रहे, मराठी भाषा में कहो कि गुड फॉर नथिंग थे वो लोग मेरी नज़र में। लेकिन पहली बार अमर सिंह चमकीला जो फिल्म उन्होंने दी है उसके लिए ग्रैंड सैल्यूट। नमस्कार, बज़ुका सुनील पाल आपको बॉलीवुड का हाल बताएगा आजू बाजू का। सो वेलकम टू बज़ुका। नेटफ्लिक्स ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं नेटफ्लिक्स को सलाम करता हूँ, वरना वल्गैरिटी और गाली गलौज के अलावा वो कुछ करते नहीं थे। 99% उनका काम गंदा और कचरा हुआ करता था, 99%। फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स को मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ कि मेरे फेवरेट अमर सिंह चमकीला जी की बायोपिक को लेके आ रहे हैं। लव यू नेटफ्लिक्स। सर, क्या कहना चाहेंगे इसमें एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा है, दिलजीत दोसांझ है,
परिणीति तो मेरी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस है, क्योंकि वो बहुत ही वर्सटाइल है। वो मतलब समझ लो कि गाना भी गाती हैं, वो कॉमेडी भी कर लेती है, और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे रोल किए। तो वो अगर इस फिल्म में है तो मुझे लगता है कि दिलजीत दोसांझ को बहुत एक सपोर्ट मिलेगा। और दिलजीत के बारे में क्या कहूँ, उसका नाम मैंने दिलजीत रखा है, दिलजीत। वो हमेशा हर फिल्म में दिलजीत लेता है, और इस बार अलग गेटअप में अलग अवतार में आ रहा है फॉर अमर सिंह चमकीला सर के लिए। अमर सिंह चमकीला ऐसे क्रांतिकारी सिंगर रहे हैं पंजाब में, पंजाब से हैं हमारे, लेकिन पूरी दुनिया उनको बहुत प्यार करती है। और उन्होंने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, शोज़ के माध्यम से एक हंगामा कर दिया था, एक मतलब ये समझ लीजिए कि एक 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 अपनी दुनिया बना बसा ली थी, अपनी इंडस्ट्री बना ली थी। अमर सिंह चमकीला एक ब्रांड, बहुत बड़े ब्रांड बन के सामने आए थे। वो अमर आज हो गए, पता नहीं शायद उनको पहले से ही पता था कि उन्होंने नाम अपना अमर रख लिया, कि वो वाकई अपने काम में अमर हो गए। सिंग मतलब गाने में, सिंगिंग में, और चमकीला ऐसे चमके थे वो कि अपने सितारे बन गए, स्टार बन गए। तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं आसमान से भी वो इस फिल्म को देखने के लिए देखेंगे और आशीर्वाद देंगे। दिलजीत को बहुत सारी शुभकामनाएं, और फिल्म के डायरेक्टर जो इम्तियाज़ अली है, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत अच्छा सेंस है, फिल्म मेकिंग का सेंस है। मैं समझता हूँ कि वो उनको ये पूरा टीम ही जो है, चाहे वो डायरेक्टर इम्तियाज़ अली हो, चाहे एक्टर दिलजीत दोसांझ हो, चाहे पीसी हो, मुझे लगता है कि कुल मिला के जूनियर पीसी, जो मुझे लगता है कि सब चीज़ें एक मिला के ये जो एक खूबसूरत बायोपिक कहो इसे, ये कोई प्रेरणा स्रोत फिल्म कहो या एंटरटेनिंग मूवी कहो, बहुत। बट एक चीज़ का मुझे अफसोस है कि ये सिर्फ नेटफ्लिक्स पे क्यों आ रही है, OTT पे ही क्यों आ रही है, इसको थिएटर में भी आना चाहिए। इम्तियाज़ अली साहब, आपसे निवेदन है, दिलजीत साहब, परिणीति, आप कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ सेंटर में, जैसे मनोज वाजपेयी की फिल्म एक ही बंदा काफ़ी है, बाद में थिएटर में भी रिलीज़ हुई थी, जो मैंने जाके खुद बैंड्रा में देखी थी, रात का शो। क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती है जो कुछ दर्शकों को, जैसे अमर सिंह चमकीला जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा पंजाब के CM भगवंत मान जो हमारे मित्र हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो एटलीस्ट पंजाब में तो कुछ टेरिटरी में उसको रिलीज़ करें थिएटर में, और उसे उन्हें सपोर्ट करें, टैक्स फ्री कर दे इस पिक्चर को, क्योंकि ये फिल्म जो है एक बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान की कहानी है। परिणीति चोपड़ा ने अमरजोत कौर का भूमिका निभाया जी, मतलब बायोग्राफी अमर सिंह जी का, अमर सिंह जी की पत्नी का किरदार निभाया, क्या लगता है कि परिणीति चोपड़ा इस किरदार के लिए परफेक्ट थी या फिर अब उभरता सितारा बन सकते? परिणीति से मैं तो निवेदन करूंगा कि राघव चड्ढा आपके पति है, वो आम आदमी पार्टी से, और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही है, आपकी ही सरकार है, तो मैं आपकी सरकार है और आप पार्टी की भी सरकार है, आपकी भी सरकार है। तो मैं निवेदन करूंगा कि राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा और भगवंत मान जी मिल के, इम्तियाज़ अली को, एक पूरे ग्रुप को मिल के एक ये फिल्म पंजाब के और जहाँ जहाँ एक एक शहर में कम से कम मिनिमम कुछ थिएटर में इसको रिलीज़ करनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और ऑफकोर्स जैसे तुमने कहा कि परिणीति चोपड़ा के बारे में क्या कहूँ, वो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उनको जहाँ सही मौका मिला, उन्होंने जब जब स्क्रीन शेयर किया किसी के साथ में, चाहे वो आज के ज़माने की लड़की की हो या पुराने ज़माने की सिखनी, जो उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म केसरी में भी बहुत अच्छा रोल किया था। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर पंजाबी आदि शान है हमारी सिखनी, यानी हमारी परिणीति चोपड़ा। नेटफ्लिक्स को नेट प्रॉफिट होने वाला है, वो जैसे इतना तो पूरा पक्का हो गया है, क्योंकि ये फिल्म जो है उस व्यक्ति के लिए है जिसके पूरा पूरा पंजाब दीवाना है, पूरे पंजाबी गाने सुनने वाले दीवाने हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैंने आज तक नेटफ्लिक्स को क्या बोलते सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, जो बोलते ना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, क्योंकि वो बोलना नहीं आ रहा मुझे तो जब बोलना नहीं आ रहा तो होगा सब्सक्रिप्शन मैं ले लूँगा,
और मैं उसमें ये फिल्म ज़रूर देखूंगा पहली बार ऐसा। अब फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स को सलाम कर रहा हूँ, इससे पहले वो बहुत ही कचरा काम करते रहे, गंदा काम करते रहे, बहुत ही घानरड़ा काम करते मराठी भाषा में, कहो कि गुड फॉर नथिंग थे वो लोग मेरी नज़र में। लेकिन पहली बार अमर सिंह चमकीला जो फिल्म उन्होंने दी है उसके लिए ग्रैंड सैल्यूट, लव यू नेटफ्लिक्स। 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बड़ी मियां छोटी मियां जिस रफ्तार में कमाई कर रही है उसे देखकर यही लग रहा है कि आज ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में 25 करोड़ तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40 करोड़ तक का कर सकती है। तो अजय देवगन की फिल्म भी अच्छा खासा कमाई कर सकती है। लेकिन इन दोनों फिल्मों को लेकर क्या कुछ राय है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं और कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, अनन फैक्ट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए देखते रहे बुजुकारी रिव्यूज चैनल को। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।